हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे फेशियल, वो भी घर पे एकदम पार्लर और सलून जैसा फेशियल मैं करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ एकदम लाइव डेमो। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं, कि हम अगर मसाज करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स प्रेस करने हैं, अगर ब्लीच करते हैं तो किस तरीके से करना है, फेस पैक कैसे यूज़ करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्लीनिंग, मतलब हमें अपने फेस को क्लीन करना है। तो आप कोई भी अच्छा सा अपना फेस वॉश ले सकते हैं और चाहे तो उसमें स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस फेस वॉश भी यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैंने डर्मा का फेस वॉश यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा है और ये आपको मिल जाएगा। इस मिटन का वेबसाइट होती है, ऐप होता है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फेस वॉश ले लिया है अपने हाथों पर और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने फेस पर इसको लगा रही हूँ। और देखिए, नोज़ के पास जो हमारे डर्ट जमा हो जाती है और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है और धीरे हल्के हाथों से उसको रब करना है। और यहाँ पे अपने चीक्स पे मैं सर्कुलर मोशन पे रब कर रही हूँ, लिप्स पे भी थोड़ा रब कर लीजिए। तो इस तरह से हमको फेस वॉश यूज़ करना है यहाँ पर। और बहुत ही फोम वाला फेस वॉश नहीं है, बहुत ही अच्छा रहेगा, जेंटल है आपकी स्किन पर। तो ये फेस वॉश ज़रूर एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, बस अब मैं इसको धुल के और आपको सेकेंड स्टेप बताऊँगी। तो सेकेंड स्टेप है यहाँ पे मसाज। तो आप कोई भी अच्छा सा मसाज क्रीम ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जस्ट हर्ब्स का मसाज क्रीम लिया है, ये भी मैंने स्पिटिन की वेबसाइट से लिया है और प्लस इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा रोज़ वाटर। बस इसका एक मिक्सचर बना लिया और इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा सा अपने फेस पर लगाते रहेंगे और सर्कुलर मोशन पे अपने चीक्स पे इसको लगाने हैं, फोरहेड पे लगाइए और इस तरह से देखिए सर्कुलर एंड अपवर्ड मोशन। तो इस तरह से मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा टाइट प्रेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आईज पे भी किया है, क्योंकि हम लोग को इतना जो डेली रूटीन है बहुत गड़बड़ हो गया है, तो उससे ब्लैक सर्कल्स भी पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल जिसे हम बोलते हैं। और देखिए पॉइंट्स मैंने यहाँ किस तरह से फोरहेड पे किया था और यहाँ पे अब मैंने ये मेरी जो जॉ लाइन है वहाँ पे मैं कर रही हूँ, जिसलिए कि डबल चिन ना पड़े या फिर कम पड़े। तो इस तरह से अपने जो भी पॉइंट्स है वहाँ पे प्रेस करना है और आप देख रहे हैं मैं हल्के हाथों से ही प्रेस कर रही हूँ। तो आप भी कोई भी मसाज क्रीम लेके और उसमें चाहे तो रोज़ वाटर मिला लीजिए या एलोवेरा जेल मिलाते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके हमको अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो आपको अगर वीडियो कैसा लग रहा है, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है और थोड़ा सा यूज़फुल लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और आगे के प्रोसेस जानने के लिए एंड तक इसमें बने रहिए। बस ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे फेस पे जिसे हम ध्यान रखेंगे मसाज करते टाइम। जैसे कि मैं अपने आईलिड पे कर रही हूँ एकदम सर्कुलर मोशन में बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि आईज़ बहुत ही सॉफ्ट एरिया होता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड, जो हमारा स्टेप है वो है ब्लीच। तो हम अपने फेस को थोड़ा सा ब्लीच करेंगे, जिसलिए कि थोड़ा जो टैनिंग हो जाती है वो भी गायब हो जाए और इससे चेहरे में एक फ्रेशनेस आती है। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड फेम ब्लीच लिया है, आप कोई सा भी आप जो आपको सूट करे वो वाला ब्लीच लीजिए। और ये भी बहुत अच्छा ब्लीच है, अगर एक बार इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर हमको मिलता है एक पाउडर और एक क्रीम मिलती है। तो ये पाउडर है छोटा वाला और बड़ा वाला क्रीम है। तो आपको वो पाउडर उसमें मिलाना होता है और ये एक मिलाने के लिए आपको स्पून जैसा मिल जाएगा। तो इससे मिलाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ब्लीच जो होता है हमारे फिंगर्स को थोड़ा सा, अगर ज़्यादा देर तक हमें फिंगर्स पे रहेगा तो नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो क्रीम है उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला दिया है। ध्यान रहे कि थोड़े थोड़े अमाउंट में ही मिलाना है, पूरा नहीं मिला देना है, नहीं तो फेस पे नुकसान भी कर सकता है। और अगर आप कोई ब्लीच कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि एक बार पैच टेस्ट जरूर कर ले। अब पैच टेस्ट कैसे होता है, चाहे तो अपने हाथों पे कर सकते हैं या फिर जो आपकी गर्दन है गर्दन में पीछे पैच टेस्ट कर सकते हैं। अगर नुकसान नहीं करता है तो आप ब्लीच यूज़ करिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, तो आप यहाँ पे मिक्सचर देख सकते हैं। और उसके बाद बस अपने हल्के हाथों से अपने फेस पे यहाँ पे मिला ले रही हूँ। इसमें कुछ रब नहीं करना है, कुछ मसाज टाइप ऐसा कुछ नहीं करना है, बस ऊपर लगा लेना है। और लगाने के बाद हमको इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके बेबी हेयर, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं फेस पे, फेशियल हेयर्स जिसे हम कहते हैं, वो भी गोल्डन हो जाएंगे, जो कि फेस के कलर से मैच करने लगेगा। और अगर हल्के हल्के हैं, ज़्यादा हैं तो फिर वो तो पता ही लगेंगे, लेकिन हल्के हैं तो आप उसको छिपा सकते हैं। ऊपर से आपके चेहरे पे अलग सा ग्लो आएगा, फ्रेशनेस आ जाएगी।
हाँ ध्यान रखिए, थोड़ा सा आँखों में जलन होती है इसको लगाते टाइम, मुझे थोड़ा सा हो रही है, मे बी आपको ना हो या फिर ज़्यादा हो, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसको हमेशा आँखों से बचाते हैं, आँखों के आसपास आईलेट पे यहाँ ब्लीच नहीं लगाया जाता है, इसको हमेशा ही फेस के जो अपर पार्ट हैं जैसे चीक्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, अपर लिप्स पे, यहाँ सब लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच अच्छे तरीके से लगा लिया है और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट सूखने के लिए रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं इतना प्रोडक्ट था और इसको मैंने अपने फेस पे और गर्दन पे यूज़ कर लिया है। अब ये मेरा बेबी है, थोड़ी सी शैतानी कर रहा था तो इसको मुझे गोदी में लेना पड़ा और जो मेरा ये ब्लीच है वो सूख चुका है अच्छी तरीके से, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसको हटाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइप लिया है और वाइप की हेल्प से मैं इसे हल्के हाथों से हटा रही हूँ। तो आप अभी भी फ़र्क देख सकते हैं, कितना फ़र्क आ गया है, जो एक इवननेस होती है स्किन में वो आ गई है, जो कलर में इवननेस होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आगे के स्टेप्स भी ज़रूर फॉलो करिए, देखिए कि क्या क्या इसके आगे होना है। तो इस तरह से मैंने हल्के हाथों से इसको छुड़ा लिया है और आप चाहे तो इसके बाद फेस वॉश भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वाइप से ही इसको अच्छे से क्लीन करिए, उसके बाद आगे का स्टेप फॉलो करिए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेप, वहाँ पे है फेस पैक। तो हम यहाँ पे फेस पैक लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने चारकोल प्लस मड फेस पैक है और ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। आप अगर चारकोल का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। और आजकल आप देखते होंगे कि बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं चारकोल का, क्योंकि क्या होता है ये हमारे जो पोर्स होते हैं उसमें से डर्ट निकाल देता है। तो यहाँ पर मैंने ये फेस पैक यहाँ पर ले लिया है, इतना प्रोडक्ट लिया है, फेस के लिए इतना प्रोडक्ट काफ़ी है और इसको गर्दन पे भी अपने नेक पे भी लगा सकते हैं। और इसमें गया है थोड़ा सा रोज़ वाटर, तो थोड़ा सा रोज़ वाटर गीला करने के लिए, और रोज़ वाटर तो स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही तरीके हैं फ़ायदा करने के, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी रोज़ वाटर के जो भी फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करके मैं अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। रब रब नहीं करना है फेस पैक को, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही लगाते हैं और उसको 15 से 20 मिनट सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और हाँ याद रहे कि फेस पैक जो होता है वो हमारे फेस पे अच्छे से सूख जाता है, तो बहुत ही हंसना नहीं है, बहुत मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि उससे क्या होगा फाइन लाइंस पड़ जाएंगे हमारे चेहरे पे और जो कि स्किन को डैमेज भी कर देती हैं आगे चल के। तो ध्यान रहे अगर फेस पैक सूख जाए तो आपको हंसना तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक देखिए इस तरीके से लगा लिया है और आप भी हो सके तो एक बार चारकोल का फेस पैक जरूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और घर पे ही आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने अपने नेक पे, अपनी गालों पे, जहाँ पे भी हम मुझे लगाना है फोरहेड पे, अच्छे से मैंने यहाँ फेस पैक लगा लिया है। एक थोड़ी सी थिक लेयर ही लगाइए, बस यहाँ पे मेरा फेस पैक लग गया है और अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगी 15 से 20 मिनट और उसके बाद धुल लिया है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ स्टेप, तो यहाँ पे क्लोजिंग पोर्स, तो जो हमने इतना सारा प्रोसेस किया ना उसमें जो हमारे पोर्स होते हैं स्किन के वो खुल जाते हैं, तो उसको क्लोज करने के लिए हमें टोनर का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आयूर का टोनर लिया है और यहाँ पर हल्के हाथों से इसको अपने फेस पर लगा लिया ताकि जो भी पोर्स खुले हुए हैं वो बंद हो जाए, नहीं तो वापस से उसमें डर्ट जमा हो जाएगी। तो बस ये सिंपल सा स्टेप था फिफ्थ स्टेप, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको लगा लेना है जो भी टोनर है आपके पास, एस्ट्रिंजेंट है वो भी काम कर जाता है। और ये है हमारा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है मॉइस्चराइज, अपने फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर करें, अगर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है तो उसको लगा दें, नहीं तो यहाँ पे मैंने फेस ऑयल लिया है, ये तिजोरी का फेस ऑयल है, सिर्फ ये 8 ml फेस ऑयल है, बहुत ही कम है अमाउंट इसका लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसको एक या दो ड्रॉप ही लगाएंगे ना फेस पे तो पूरे फेस पे ये अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बहुत ही मॉइस्चराइज करता है फेस को। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 बूंदें ली हैं इसकी और यहाँ पे फेस पे लगा लिया है। और आप चाहे तो पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं जैसे फोरहेड को, अपने गालों को, यहाँ पर मैंने सिंपली लगा लिया है। और ये ओवरनाइट एक तरह से सीरम है तो इसको मैंने ऐसे ही रात के लिए छोड़ दिया है। मैं क्या करती हूँ फेशियल में हमेशा रात के टाइम करती हूँ, उससे क्या होता है मेरी जो स्किन है वो पोल्यूशन या धूप से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आती रात में और उसे एक अच्छा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का। तो बस ये लास्ट स्टेप था, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए करिए, जिसलिए कि जो भी वीडियो मेरा आए तो आपको वो अच्छे से आसानी से मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।